गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा विषय है इन फैंसी हैजार्ड्स एंड एडजस्टमेंट्स। शिशु को जन्म के समय माता व शिशु दोनों को ही अनेक खतरों का सामना करना पड़ता है और जो एक इन्फेंट होता है उसके लिए जो हैजार्ड्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल हैजार्ड्स, यानी कि शारीरिक हानिकारक कारक। फिजिकल हैजार्ड्स में वो सारे हैजार्ड्स आ जाते हैं जो बच्चे की शारीरिक अवस्था पर प्रभाव डालेंगे। उसमें सबसे पहला फैक्टर जो हम लेंगे वो है अनफेवरेबल प्रीनेटल कंडीशंस। एक बच्चा जन्म के समय, जन्म के बाद तो बाह्य वातावरण में आता ही है, लेकिन जन्म के पहले उसके जो हेल्थ है वो किस प्रकार की रही है वो उसके बाद के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालेगी। तो यदि जब बच्चा गर्भ में है उस समय माँ किसी प्रकार के मानसिक तनाव में रही है या कुछ उसके साथ दुर्घटना हुई है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे पर भी प्रभाव डालेगी और ये माता के तनाव का असर बच्चे को भी बाद में भुगतना पड़ता है। बच्चे का भी जो एक बच्चा भी जो होता है वो टेंस और नर्वस प्रकार का होता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण। यदि बच्चे को पर्याप्त रूप से पोषण नहीं मिल पा रहा है तो उसकी शारीरिक वृद्धि तो होगी ही नहीं, साथ ही साथ जो उसका बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो भी विकसित नहीं हो पाती और ऐसे बच्चे को शुरुआत से ही विभिन्न प्रकार के रोग घेरने लगते हैं और जो बच्चे ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं उनका स्वास्थ्य भी बाद में बहुत अच्छा नहीं रह पाता। नेक्स्ट चीज आती है डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड बर्थ, यानी जन्म के समय जो कठिनाई होती है उसमें क्या रहता है कि किसी प्रकार की कठिनाई होना, जैसे एनोरेक्सिया है या किसी प्रकार से औजारों का उपयोग वगैरह किया जा रहा है तो उससे बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ सकता है। ऑक्सीजन की कमी होने से ब्रेन डेड हो सकता है। तो ये जो प्रभाव है ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है कि बच्चे की मस्तिष्क का कोई भाग सदैव के लिए क्षतिग्रस्त हो जाए। तो यदि बच्चे का इस तरीके से मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है तो उसका जो मानसिक विकास है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। इसी प्रकार से मल्टीपल बर्थ भी नवजात शिशु के लिए हैजार्ड होता है, क्योंकि जब एक ही गर्भ में दो या दो से अधिक बच्चे पल रहे होते हैं तो बच्चे का जो ग्रोथ है, जो एक विकास है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता और सामान्य तौर पर जो बच्चे होते हैं उससे उनका जो बर्थ वेट है वो कम होता है, कमजोर होते हैं और ऐसे बच्चों में बचने की संभावना भी कम हो जाती है क्योंकि वो शारीरिक रूप से पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए होते। पोस्ट मैच्योरिटी से तात्पर्य है उत्तर परिपक्वता, यानी जो गर्भकालीन सामान्य जो समय है उससे ज़्यादा समय लेकर यदि बच्चा पैदा हो रहा है तो उसे पोस्ट मैच्योर कहा जाता है। वैसे तो एक सामान्य शिशु का गर्भकाल 9 महीने 10 दिन माना जाता है, लेकिन यदि इससे ज़्यादा समय एक शिशु रह रहा है तो वो भी उसके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे अपनी जो सामान्य साइज है उससे बड़े हो जाते हैं और प्रसव के लिए विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स या सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे बच्चे में किसी न किसी प्रकार के चोट लगने की संभावना भी रहती है और एक जो नॉर्मल जो कंडीशन होती है वो उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फिर दूसरा जो फैक्टर है वो है प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी से मतलब है पूर्व परिपक्वता, यानी जो निर्धारित गर्भ अवधि है उससे यदि पहले बच्चा जन्म ले लेता है तो वो भी उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि
बच्चे का विकास जो गर्भ में है वो आयु के हिसाब से हो रहा है, ग्रोथ जो हो रही है। ऐसे बच्चों के शारीरिक अंग तो विकसित हो जाते हैं लेकिन मैच्योर नहीं होते, और उन्हें सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़्यादा मेडिकेशन करना पड़ता है, डॉक्टरी देखरेख में रहना पड़ता है, और ये जो है ये उन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। कई बार ऐसे बच्चे सर्वाइव भी नहीं कर पाते, तो ये पोस्ट मैच्योरिटी और प्री मैच्योरिटी दोनों ही दशा बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। फिर इन्फेंट मॉर्टेलिटी यानी जो नवजात शिशु की मृत्यु दर है वो ये देखा गया है, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद बच्चे वातावरण से एडजस्टमेंट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, और यदि किसी प्रकार की भी हानि प्रसव के दौरान हुई है तो उसका प्रभाव 2 से 3 दिन के अंदर देखने में आ जाता है ज़्यादातर शिशुओं में। तो ये 2 से 3 दिन की अवधि किसी भी नवजात शिशु के लिए बहुत क्रिटिकल होती है। यदि ये समय ठीक से निकल गया तो बच्चे के स्वस्थ रहने की संभावना रहती है। फिर नेक्स्ट फैक्टर जो बच्चे की हेल्थ पर प्रभाव डाल रहा है या विकास पर प्रभाव डाल रहा है वो है वातावरण में जो प्रदूषण है और एलर्जी, वो बच्चे के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। उसमें क्या रहता है, बच्चे को कई चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, सभी बच्चों को तो नहीं लेकिन कुछ बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो वातावरण में कारक हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें फूड आइटम से एलर्जी होती है, जैसे गेहूं से एलर्जी होती है। कुछ शिशुओं को प्लांट्स या फ्लावर्स जो उनमें जो परागकण होते हैं उससे वो एलर्जिक होते हैं, कुछ बच्चे स्पेशली धूल मिट्टी और ये वातावरण जो है उससे एलर्जिक होते हैं। तो किसी भी प्रकार की एलर्जी हो ये छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देती है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ हैंडलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको दवाइयाँ देना, और सबसे बड़ी बात ये वो अपनी जो परेशानी है उसको बता नहीं सकते। तो ये वातावरण का इस प्रकार का प्रभाव बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट फैक्टर इलनेस, इलनेस से तात्पर्य है किसी भी प्रकार की बीमारी से, और बीमारी छोटे बच्चों में बीमारी बहुत सामान्य सी बात है। जैसे ज़्यादातर जो नवजात शिशु होते हैं उसमें जॉन्डिस तो देखने में आता ही है जो कि समय के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में अस्थमा, मिर्गी, जॉन्डिस जैसी जो बीमारियां हैं वो बच्चे के इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। और क्या होता है कि बच्चे बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं खाने के लिए, एक तो बीमारी उनका शरीर कमजोर कर रही है, साथ ही वो ठीक से डाइट भी नहीं लेते क्योंकि वो खा भी बहुत कम चीज़ें सकते हैं और सिलेक्टिव भी हो रहे हैं, तो जिससे उनकी उनमें कमजोरी आ जाती है और उनका जो विकास है वो प्रभावित होता है। दूसरी श्रेणी में आते हैं मनोवैज्ञानिक हैजार्ड्स, और ये ऐसे कारक हैं जो डायरेक्टली बच्चे से एसोसिएटेड आमतौर पे नहीं होते, बच्चों के केयर टेकर, माता पिता या ऐसे व्यक्तियों से संबंधित होते हैं जिनका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो माता पिता से संबंधित है, हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस से मतलब है कि जो माता पिता में जो असहायपन की भावना जो आ रही है वो बच्चे पर प्रभाव डालती है। जैसे माता पिता को ये लगता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल वो सबसे अच्छी कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की देखभाल में हर कोई परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, और जब वो बच्चे को संभाल नहीं पाते तो उनमें असहायपन आता है। और दूसरी चीज़ ये बच्चे पर असर डाल रहा होता है, साथ ही साथ माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चा बिल्कुल उन पे डिपेंडेंट है, और जब वो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तब भी वो उसको अपने आप से काम नहीं करने देते। जो बच्चे को पूरी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करने का अवसर नहीं देता और बच्चे को प्रभावित करता है। तो ये दोनों दोनों लोगों के लिए मुश्किल है, माता पिता के लिए भी और बच्चों के लिए भी। दूसरा जो फैक्टर है वो है न्यू पेरेंट ब्लूज। न्यू पेरेंट ब्लूज का मतलब है जो नए माता पिता में जो अवसाद आता है, प्रथम
प्रीनेटल ब्लूज के बारे में शायद आपने सुना हो, प्रीनेटल ब्लू सॉरी पोस्टनेटल ब्लूज, यानी कि बच्चे को जन्म देने के बाद माता में अवसाद आना बहुत एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, और पेरेंट्स में भी ये अवसाद यानी पिता में भी इस प्रकार का अवसाद देखने में आता है। और ये इस उदासी की जो स्थिति होती है वो इस वजह से होती है कि एक तो बच्चे में उनका सारा समय व्यतीत हो जाता है, वो आपस में एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, उसके अलावा जो उनका अपना कार्य है वो भी उससे बाधित होता है, जिससे वो परेशान, थकान और चिड़चिड़ापन का अनुभव करते हैं। जैसे बच्चे का सोने जागने का अपना अलग एक पैटर्न होता है और माता पिता उससे उतना जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते, जिससे उन्हें अवसाद की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इंडिविजुअलिटी ऑफ द इन्फेंट। यहाँ पर यदि हम बात करें तो हर एक बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है, लेकिन माता पिता जब ये देखते हैं कि मेरा बच्चा दूसरों से अलग दिखाई दे रहा है, या कई बार क्या होता है वो अपने बच्चे के लिए कोई रूप रंग का मापदंड लेकर चल रहे होते हैं, और यदि बच्चा उसके अनुसार नहीं होता तो वो अपने बच्चे को हीन समझने लगते हैं, और साथ ही साथ जब दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो उनमें हीनता की भावना आती है, वो खुद को भी हीन समझने लगते हैं, और कहीं ना कहीं पे जब बच्चा समझने लगता है तो उसे भी ये जता देते हैं, जो बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है उस पर प्रभाव डालेगा। फिर नेक्स्ट चीज है डेवलपमेंटल लैग। डेवलपमेंटल लैग का मतलब जो बच्चे का जो विकास है वो एक स्टेज के हिसाब से होता है, जैसे जो उनके माइलस्टोन्स है उनके हिसाब से विकास होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चों में स्लो डेवलपमेंट होता है, कई बच्चों में जल्दी डेवलपमेंट हो जाता है। और यहाँ पर जब पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा पिछड़ रहा है तो वो उनके लिए मुश्किल होता है, साथ ही साथ जब वो उन्होंने ये सीखा है कि इस एज के बच्चे को कैसे हैंडल करना है, लेकिन उनका बच्चा अभी उतना ग्रो नहीं कर पाया तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मेरे बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करूं, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे की नीड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही तो उस पर प्रभाव डालेगा। नेक्स्ट फैक्टर है प्लेट्यूड डेवलपमेंट। इससे मतलब है विकास में पठार आ जाना। वैसे तो सभी नवजात शिशुओं में जन्म के कुछ समय बाद प्लेटो दिखाई देता है, जैसे ये कुछ हफ्ते तक बना रहता है, और जैसे शिशु का वजन घटता है और वो कमजोर नजर आता है, लेकिन इसे देखकर माता पिता ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमसे कुछ गलत हो रहा है, हम बच्चे की ठीक से केयर नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से वो बच्चे को बच्चे की जो नॉर्मल जो रूटीन है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा सो रहा है और वो क्योंकि छोटा सा बच्चा है तो उसे ज़बरदस्ती उठाना और दूध देना, ये इस तरीके से क्या है उसको उसको उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, फिर उन्हें ये समझ में नहीं आएगा ये चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बच्चे के जो व्यवहार है उस पर प्रभाव डालती है, और बच्चे की जो दैनिक गतिविधि है उसको डिस्टर्ब करती है। एक और फैक्टर है जो बच्चे के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, यदि माता पिता ने बच्चे का कुछ नाम, माता पिता या कोई भी बड़ा नाम तो रखते हैं लाड़ में, लेकिन वो इस तरीके के नाम होते हैं जो बड़े होकर बच्चे के लिए मजाकिया बन जाते हैं, उसके जो दोस्त हैं वो उसका मजाक बनाते हैं, तो छोटपन में तो बच्चे को समझ में नहीं आता नाम की अर्थ क्या है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो इस नाम से बड़े शर्मिंदा होते हैं, तो ये बच्चे के जो इमोशनल जो डेवलपमेंट है जो उस पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। अब हम देखेंगे कि एक नवजात शिशु को कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कौन कौन से समायोजन करने पड़ते हैं। तो एक
छोटे बच्चे की बात करें यदि, जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो वहाँ सबसे सुरक्षित वातावरण में होता है और उसका जन्म होना ही उसके लिए सबसे कष्टकारी अनुभव होता है। और जन्म से पहले एक बच्चा अपनी माँ से जो पोषण और जो भी न्यूट्रिशन है और ऑक्सीजन है सब अपनी माता से प्राप्त कर रहा होता है, लेकिन जब वो संसार में आता है तो वो एक ऐसी जगह आता है जहाँ पे उसे बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो हम ये देखेंगे कौन कौन से मेन एडजस्टमेंट हैं जो एक नवजात शिशु को करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो है रेस्पिरेटरी एडजस्टमेंट, यानी कि श्वास संबंधी समायोजन, श्वसन समायोजन। गर्भ में गर्भस्थ शिशु एम्बिसाइल कॉर्ड के माध्यम से ऑक्सीजन ले लेता है। जन्म के समय इस कॉर्ड को काट दिया जाता है, तो अब उसे जो सांस है वो अपनी नाक से लेनी है और उसके फेफड़े भी पूरी तरीके से विकसित तो नहीं कहेंगे, विकसित हो चुके होते हैं पर अभी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते, उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। तो बच्चा जन्म के 10 सेकंड के अंदर अपनी पहली सांस ले लेता है जब उसका मुंह और नाक साफ करा जाता है, और उसके बाद फिर वो जो एक बच्चा जो सांस लेता है उसका पैटर्न बड़ा इरेगुलर सा होता है। बच्चे अपनी सांस बहुत जितनी उनकी कैपेसिटी है उस तरीके से लेना शुरू करते हैं और फिर जिससे आगे फिर वो धीरे धीरे एडल्ट पैटर्न की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे छोटे बच्चों की जो सांस लेने की गति है वो एडल्ट से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो है वो है सर्कुलेटरी एडजस्टमेंट। सर्कुलेटरी एडजस्टमेंट कहा जाता है जो उनका रक्त संचार का जो सिस्टम है, ये भी बच्चा जो है अपनी माता की जो नलिका है एम्बिसाइल कॉर्ड से ही बच्चे में रक्त संचार हो रहा होता है, और जैसे ही बच्चा पहली सांस लेता है तो उसका जो एक सर्कुलेटरी पैटर्न है वो डेवलप हो जाता है। जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई करके ब्लड में भेजते हैं, जहाँ से फर्दर हार्ट जो है वो उसका संचालन, रक्त संचालन शुरू करते हैं। दिल तो पहले से धड़क रहा होता है लेकिन अब जो एक लंग्स और जो हार्ट का जो कोलैबोरेशन है वो अब शुरू होता है प्रॉपरली। फिर नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेटरी एडजस्टमेंट। थर्मोरेगुलेटरी एडजस्टमेंट से तात्पर्य है जो तापमान परिवर्तनों के प्रति जो समायोजन है। माता के गर्भ में बच्चा जो रह रहा है वहाँ पे टेम्परेचर करीब करीब 100 डिग्री का होता है और वहाँ पे फ्लक्चुएशंस, जो तापमान में फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बाहर के वातावरण में जो कंपैरेटिवली ठंडा होता है और उसके अनुसार बच्चे को अपना जो तापमान है वो अभियोजित करना होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत छोटे होते हैं और जो वातावरण उनके चारों तरफ है वो बहुत सारा है, उनको अपने तापक्रम के समायोजन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो ज़्यादा एरिया है वो हीट लूज करने का जो सेक्शन है वो ज़्यादा है, लेकिन हीट प्रोड्यूस करने के लिए उनकी बॉडी में अभी उतना वॉल्यूम नहीं होता उतनी, इस वजह से बच्चों को तापमान के प्रति समायोजन करने में थोड़ा समय लगता है, और इसीलिए छोटे बच्चों को जो है गर्म स्थान पे रखा जाता है या सर्दियों में ज़्यादा गर्म कपड़े पहना के रखा जाता है। और एक और फैक्टर है कि बच्चों में अभी फैट नहीं होती जो बाहर के वातावरण से तापमान में अनुकूलन करती है, और इस जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उस फैट बन जाने की वजह से भी तापमान से समायोजन आसानी से होने लगता है। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरिनरी एडजस्टमेंट, यानी कि जो पोषण संबंधी और निष्कासन के बारे में समायोजन। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके जो
पाचन संबंधी जो उनका ट्रैक है उसमें अभी जो भोजन पकाने से भोजन पचाने से संबंधित जो बैक्टीरिया हैं वो अभी स्टैब्लिश नहीं हुए होते, और इसीलिए बच्चे केवल दूध को ही डाइजेस्ट कर पाते हैं और विटामिन प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो पाचन क्रिया है वो रेगुलेट होती जाती है और पाचन क्षमता भी बढ़ती जाती है। और इसी प्रकार से जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो किडनी है वो भी अभी फंक्शनल नहीं होती, क्योंकि जन्म से पहले तो जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, वेस्ट होता है, वो इम्बिसाइल कॉर्ड तथा प्लेजेंटा के माध्यम से निकल रही होती है, लेकिन बाद में जो बच्चे के जो अंग हैं वो जो एक्सक्रीटरी जो अंग है उनको यूज करने लगते हैं, और बच्चा जो यूरिन करता है वो कुछ दिनों के बाद उसे अनुबंधित किया जा सकता है। पहले बच्चे का अपने मलमूत्र निष्कासन पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता। तो आज हमने देखा कि बाल्यावस्था में कौन कौन से हैजार्ड्स आते हैं और एक नवजात शिशु को कौन कौन से समायोजन करने पड़ते हैं। अगले लेक्चर में हम बाल्यावस्था के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।